तो अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से एक प्यारी सी मजार शरीफ पे आ चुके हैं। वली करीम की बारगाह में फिर से मौजूद हैं हम, और आज का ब्लॉग थोड़ा अलग है गाइस। आज हम आए हैं, जिस मजार पे आए हैं वो हमारे पेटलास से कुछ भी 3-4-5 किलोमीटर दूर है गाइस। तो यहाँ पर लोबान होगा, और उसके बाद किस तरीके से लोबान होता है, कौन से दिन लोबान होता है, और सभी जानकारी सभी बातचीत आपको बताएंगे। सोहेल भाई है जो कि यहाँ पे लोबान करेंगे, जो कि जिनके साथ हम आए हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। सरकार का नाम भी आपको बताएंगे, आज पूरी जानकारी देंगे। और पहले आए थे और अभी में काम हुआ है यहाँ पर, थोड़ा बहुत काम भी करवाया है। तो इसी तरीके से बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो वीडियो चलते हैं मजार शरीफ में, मेरे पीछे देख सकते हो मजार शरीफ है। तो चलो अंदर चलते हैं भाई। तो ये खेत में से होकर जाना पड़ता है हमें, और जस्ट हमारे मजार शरीफ से आ चुके
पूरा अब हम जानकारी लेंगे, सोहेल भाई से पूछेंगे लोबान किस किस दिन होता है और सरकार का नाम भी पूछेंगे। तो चलो सोहेल भाई से बात करते हैं, उन कुछ सवाल जवाब करते हैं सोहेल भाई। तो या ये है हमारे सोहेल भाई जो कि यहाँ पर ध्यान रखते हैं, और इससे पहले का ब्लॉग आपने देखा होगा तो अभी दरगाह का काम हुआ है, आप ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस के दरगाह का काम कैसा क्या हुआ है। हमारे सोहेल भाई ने यहाँ का दरगाह का तामीरे का काम करवाया है और दीवारें माशाल्लाह अच्छी हो गई है, और नीचे पहले कच्चा था, अभी सीमेंट वगैरह का अच्छा करवा दिया, बहुत बढ़िया हो गया है और अभी और काम होना बाकी है। तो हम पूछेंगे कि लोबान कौन से दिन होता है, कितनी बजे लोबान करते हो, हर भाई आप ही करते हो तो ये पूछेंगे सोहेल भाई से। तो बताइए सोहेल भाई, लोबान आप ही करते हो? हाँ। तो मतलब कितनी कितनी बजे कौन से दिन लोबान होता है? हर जुमेरात को असर बाद होता है। तो हर जुमेरात को असर के बाद होता है, और हम जरा पूछेंगे कि मतलब कितने दिन में, मतलब यहाँ काम करवाया तो कितने दिन में काम हो गया? और ये समथिंग 10 दिन में काम पूरा हुआ है, अभी और बहुत सारा काम बाकी है। तो भाई देख सकते हो चारों तरफ कैमरा घुमा के फैजान भाई बता दो, यहाँ पे काम हुआ है और दीवारों वगैरह का प्लास्टर वगैरह हुआ है, नीचे फर्श भी अच्छा करवा दिया है। धीरे धीरे सरकार की इजाजत से काम धीरे धीरे और चलता जाएगा। तो सही, तो पिछले ब्लॉग में आपको हमने सरकार का नाम नहीं बता पाए थे, लेकिन इस बार हम सोहेल भाई से जरूर पूछेंगे कि सरकार का नाम बता दो। हजरत का नाम है लाल खां भूरे खां। तो हजरत का नाम लाल खां भूरे खां सरकार है जो कि चापलदा घाटी पे, एक पिछला ब्लॉग घाटी के नाम से मशहूर है, चापलदा घाटी के नाम से मशहूर है। अगले ब्लॉग में हमने चापलदा घाटी वाले सरकार लिखा था, लेकिन इस बार आपको हमने नाम बताया है। तो लोबान हमारा हो चुका है, और यहाँ पर मतलब ये झूले जो दिख रहे हैं, ये झूले किसके लिए, मतलब क्या ये मन्नत के झूले हैं? बताना झूले जिनकी औलाद नहीं हो पाती है, सरकार के करम से, सरकार के निगाह करम से काम हो जाता है, झूले बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं लोगों, फिर इंशाल्लाह मन्नत भी धीरे धीरे पूरी करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो आप झूले लगे हुए, चारों तरफ झूले लगे हुए, जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं यहाँ पर सरकार के यहाँ पर हाजिरी देते हैं, ये झूले टांगते हुए, और सरकार हाजरा हुजूर है जो कि उनकी दुआ कबूल होती है। यहाँ पर हर धर्म के, हिंदू मुसलमान सब हर धर्म के आते हैं और सरकार सबकी सुनते हैं। ये बहुत ही प्यारी मजार शरीफ है और चारों तरफ हरियाली है गाइस, यहाँ पे एक भी मकान नहीं दिखेगा, और पास में एक मंदिर है जो भी मंदिर का काम भी चल रहा है गाइस। पीछे बताओ, ये मंदिर का काम भी चल रहा है, जस्ट पास में आप देख सकते हो हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक है, इधर दरगाह है और इस पास में जस्ट मंदिर है। तो यहाँ पर सभी धर्म के आते हैं, हमारे साथ हर धर्म के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही प्यारा है। और इसी तरीके से अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसे मिलते हैं अगले वीडियो से, और ऐसे ही ब्लॉग लाते रहेंगे। तो इस बार के अल्लाह हाफिज़, गुड।